नमस्कार दोस्तों, जीके रफ्तार चैनल पर आपका स्वागत है। सीटी क्वालिफाई कोर्ट केस से जुड़ी नई अपडेट के साथ, जैसा कि आपको पता है कि आज लगभग 40 मिनट 50 मिनट तक सीटी क्वालिफाई लेकर को कोर्ट केस की हियरिंग में पूरी बहस हुई थी। अच्छी खासी बहस इसके अंदर हुई। ऑर्डिनरी में 264 नंबर पर जो केस था कोर्ट रूम नंबर 5 के अंदर, लेकिन अभी फ़िलहाल कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। कुछ जगह ये बातें चल रही है कि डिसमिस कर दिया गया है, सरकार के पक्ष में केस किया कि हो गया है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सच्चाई ये है कि अभी तक जो केस का फैसला है वो जज साहब ने रिजर्व रखा हुआ है, लेकिन जो रिजर्व रखा हुआ है ये आप सभी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि रिजर्व रखने का मतलब कुछ और भी बन जाता है। लेकिन अभी तक ये कुछ नहीं कह सकते कि ये केस डिसमिस हो गया है या कुछ इसके अंदर ये क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। जब ऑर्डर कॉपी आएगी तो उसमें क्या लिखा हुआ आएगा उसी पर सब कुछ डिपेंड करेगा कि इस कोर्ट केस में क्या रहा है। लेकिन ये फैसला अगर अब रिजर्व किया गया है तो फिर इसमें गवर्नमेंट की कुछ है इसके अंदर, आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। मैं पर्सनली इसके अंदर ये बोल नहीं सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि रिजर्व करना आप सभी के लिए एक अच्छी बात नहीं है, ये आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है, आप किसी के बहकावे में नहीं आए। जैसे ही ऑर्डर कॉपी आएगी और जो फाइनल डिसीजन कंफर्मेशन होगी उसके बारे में हम आपको अपडेट दे देंगे। अभी तक यही है कि मामला अभी तक रिजर्व है, कोई फैसला अभी तक आया नहीं है। तो दोस्तों ये अपडेट थी। लगातार अपडेट के लिए जुड़े रहिए जीके रफ्तार चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा।